السلام عليكم dear students, it's class 11th and we have finished our first two chapters, and that is righteous, and our chapter first was making up the constitution, and second chapter that is fundamental rights. Now we are moving towards our third chapter, that system of representational democracy. System of representational democracy. So in order to go through this topic, we need to understand a certain basic fundamentals or principles of this topic. That is, first of all, we should know what do we need. Why do we need elections? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन हमें हम क्यों चाहते हैं और इलेक्शन की हमें क्या ज़रूरत है. सो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी रिप्रेजेंटेशन फराहम करता है. दे हेल्प इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू देम. यानी कि लोग जो चाहते हैं उनको एक किस्म की अपनी इंटरेस्ट जो उनकी चॉइस होती है वो उनको फराहम करती है. इलेक्शन डिसाइड हु शैल रूल. इलेक्शन जब जब भी होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन रूल करने जा रहा है, और इलेक्शन से ही पता चलता है कि कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है. तो इससे इलेक्शन से ही एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन होती है. यही एक ऐसी प्रोसेस है कि पेरिफेरल जितने भी ग्रुप्स हैं, और ये ओवरकम करता है लिंग्विस्टिक या कास्ट बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे जितनी आइडेंटिटी होती है उनको ये ओवरकम करती है. और वक़्त गुजरने के साथ साथ इन तमामों में एक ऐसी इंटरेस्ट फराहम करता है कि वो एक ही छत्र छाया में आते हैं. हालांकि जितने भी इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको छोड़ के एक किस्म की कॉपरेशन और कंपटीशन इनमें आती है. और सो इलेक्शंस देयरफॉर आर एसेंशियल एज वोटर्स मेक चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस. यानी कि लोगों के पास एक ऐसा मौका आता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, इन इलेक्शंस के जरिए. और जो भी लॉ या कानून बनाते हैं वो इलेक्शंस होने के साथ साथ उनको निभाया जाता है. और द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड फॉर्मेशन ऑफ लॉज. यानी कि जितनी भी पार्टी होती है इन सब को इलेक्शंस में जितनी भी लॉ हम फ्रेम करते हैं उनको इनके तहत ही चलना होता है. लेकिन इलेक्शंस जब भी हम करते हैं तो इलेक्शंस करते वक्त इनको एक तरह से डेमोक्रेटिक बनाया जाता है. यानी कि इलेक्शंस मेक अ प्रोसेस डेमोक्रेटिक. और वो कैसे बनता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. यानी कि दोनों किस्म के, यानी डेमोक्रेटिक भी और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स भी, दोनों दे होल्ड सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शंस. यानी कि ऐसे भी हालात आते हैं, सेवरल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको कि हमें पता चलता है कि कैसे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनती है. सबसे पहले, एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट टू चूज ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. यानी जो भी इंडिविजुअल आदमी होता है, एक शहरी होता है, वो एक वोट डालता है, और इस वोट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, एक इसका वैल्यू होता है. यानी एक आदमी को एक वोट दिया जाता है और इसका वैल्यू भी सिंगल होता है. इसके बाद दे शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एंड पीपुल शुड हैव ए चॉइस टू एलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन. यानी कि कैंडिडेट जो होते हैं उनको एक किस्म का ऐसा माहौल फराहम किया जाता है
वो इलेक्शन जो भी होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए उनको एक आज़ाद माहौल फराहम किया जाता है। और इलेक्शंस जो होते हैं वो पीरियडिकली होते हैं। पीरियडिकली मतलब क्या होता है, एक खास मदद के दरमियान, जैसे कि मुख्तलिफ स्टेट या सेंटर में यहाँ पे हमें 5 साल का वक्फा होता है, कई कई स्टेटों में 6 साल का भी वक्फा था। हमारे आज हमारी ये यूटी है, इससे पहले ये स्टेट थी, और इस वक्त हमारे स्टेट में इलेक्शन का वक्फा 6 साल का था। इसके बाद उसको 5 साल मतलब 5 साल ही किया गया। तो यानी कि इसमें एक 5 साल या 6 साल एक पीरियडिसिटी होती है, ये इसका तीसरा पॉइंट है, जिससे कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी इसका मुदत एक वक्फा होता है उसके बाद दूसरा, नहीं, इट इज पीरियडिक मनस्पराह। इसके बाद जो लोगों की पसंद होता है, यानी कि हम इलेक्शंस में वोट डालते हैं, और जो लोगों की पसंद होती है, लोगों की जो पसंद, यानी कि जिसको लोग ज़्यादा चाहते हैं, जिसको लोग ज़्यादा वोट्स डालते हैं, वही इलेक्शन में इलेक्ट बन इलेक्ट होके आता है। और लास्ट पे जितनी भी इलेक्शंस हो रहे हैं, दे शुड बी हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, यानी कि जो इलेक्शन होता है उनको एक आज़ाद माहौल में किया जाता है, एक ऐसा माहौल फराहम किया जाता है कि वो एक आज़ाद माहौल में इसको निभाया जाता है। तो इसके लिए एक बाज़ाबता एक सिस्टम बनाया जाता है, एक यहाँ पे एक अथॉरिटी बनी होती है, या एक एक कॉन्स्टिट्यूशन या बना होता है जो बाज़ाबता रूल्स को फॉलो करता है, और इसके बाद ही इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है, और लोगों की चॉइस को सामने लाया जाता है। सो दिस वॉज अवर टॉपिक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक एंड हमें इलेक्शंस की क्या ज़रूरत होती है। इसके बाद आगे का चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे, आगे का जितने भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।